हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होटल जैसा पनीर लबाबदार की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे। तो हम तेल ऐड करेंगे, आप बटर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो जीरा हम डालेंगे, 2 से 3 तेज पत्ता, 4 लाल मिर्च, 1 इंच दालचीनी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। साथ में ऐड करेंगे प्याज, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, 10-12 लहसुन की कलियाँ। साथ में ऐड कर लेंगे 15 से 20 काजू, इसे 1 चम्मच के करीब शक्कर डालेंगे, इससे भी गाढ़ा करेगा ग्रेवी। यहाँ पर प्याज को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। यहाँ पे ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। यहाँ पर टमाटर को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, इसको ढक कर पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पर पकते हुए टमाटर को 15 मिनट हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, अब इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पीस कर तैयार कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पीस लिया है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है। तेल को गर्म होने देंगे अच्छा से। तेल हमारा गर्म हो चुका है तब हम पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। तो पनीर को हम हल्का सा साइड चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ही ब्राउन करना है। तो यहाँ पर पनीर हमारा फ्राई हो चुका है तब हम निकाल लेते हैं इसको। इसको फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे बचा हुआ तेल में ही हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो यहाँ पर 2 चम्मच हम लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से हम मसाला ऐड कर लेंगे जो मैंने बना कर तैयार कर रखा था पहले से, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से तेल ना छोड़ना शुरू कर दे। तो यहाँ पर मसाला को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, तो हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है एक और काम भी हम कर लेते हैं साथ में। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया तो यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे, और यहाँ पर क्यूब्स में मैंने प्याज को कट कर रखा है उसको डाल देंगे। साथ में शिमला मिर्च भी डाल देंगे, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर रखा है। अब इसे हम हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे। चलते हैं मसाला की तरफ। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तेल छोड़ने लगा है अच्छे से। तो अब हम फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे इसमें, अब अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। साथ में यहाँ पे हम पनीर भी ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे इसको भी। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम पानी। अब ग्रेवी किस तरह का रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं आप। ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के, और 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो सब्जी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं, अब सर्व करके दिखाऊंगी मैं अब। तो अब हम बाउल में डाल लेते हैं। तो अब हम ऊपर से पनीर से गार्निश कर लेंगे। तो अब हम अमूल क्रीम फ्रेश क्रीम से गार्निश कर लेंगे। तो होटल जैसा पनीर लबाबदार हमारा रेडी है। अगर हमारा रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।